हेलो मित्रों, टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुर सतवारा। तो आप जानते हैं कि दिवाली नजदीक है और दिवाली नजदीक आते ही गैजेट्स पे ऑनलाइन वेबसाइट्स वाले काफी सारी स्कीम्स और ऑफर लेके आते हैं। अगर आप में से कोई ऑनलाइन गैजेट्स बाय करने की प्लानिंग कर रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको टॉप बजट लैपटॉप्स के बारे में बताने वाला हूँ। बजट लैपटॉप यानी कि आपका जितना भी बजट हो, यानी कि 15,000, 25,000 या फिर 35,000, उस बजट के अंदर आप कौन सा बेस्ट लैपटॉप बाय कर सकते हैं, ये वीडियो उसी के बारे में है। आजकल आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाएंगे और लैपटॉप की कैटेगरी खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोर i3 प्रोसेसर वाला लैपटॉप 25,000 या 27,000 से स्टार्ट होता है और आप ब्राउज करते करते 35,000 की कैटेगरी में भी पहुंच जाएंगे, फिर भी आपको वहां कोर i3 का लैपटॉप दिखाई देगा। तो आप कंफ्यूज होगे कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही है और कौन सा आपको नहीं बाय करना चाहिए, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। मैं यहां आपको आपके काम के मुताबिक और आपके बजट के मुताबिक अलग अलग बेस्ट बजट लैपटॉप आपको बताने वाला हूँ, तो वो जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। तो आज के लिस्ट में पहला और मेरा सबसे फेवरेट लैपटॉप है 15,490 रुपए का, और वो है Asus का ईबुक, जिसमें है 2GB रैम, इंटेल का एटम प्रोसेसर और 32GB eMMC स्टोरेज, और उसके साथ आपको मिल रहा है विंडोज 8.1 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 360 पैकेज। ये लैपटॉप बजट लैपटॉप्स की लिस्ट में सबसे पहला है क्योंकि वो सबसे सस्ता और इस लैपटॉप का वेट बाकी सारे लैपटॉप से काफी कम है और उसकी साइज भी 11 इंच की है, जो एक टैबलेट से शायद ही थोड़ी बड़ी होगी। तो ये लैपटॉप आपके बैग में या फिर आपकी कॉलेज बैग में आपकी बुक्स के साथ भी काफी अच्छी तरह से एडजस्ट कर पाएगा। ये लैपटॉप किसके लिए है और इस लैपटॉप से आप कौन कौन सी चीज कर सकते हैं, मतलब कि ये लैपटॉप कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए है या फिर आपके पास कोई हाई एंड और एक लैपटॉप है और आपको पोर्टेबिलिटी के लिए एक छोटा सा लैपटॉप एज अ सेकंड लैपटॉप चाहिए, तो ये लैपटॉप आपके लिए है। ये लैपटॉप स्टूडेंट्स के लिए यानी कि कॉलेज में आते जाते टाइम उसको ले जा सकते हैं और उस इम्पोर्टेंट नोट्स जो क्लासेस में होती है वो आप नोट कर सकते हैं। इस लैपटॉप में ब्राउजिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे काम भी आप कर सकते हैं, और इस लैपटॉप में आप मूवीज भी अच्छी तरह से देख सकते हैं क्योंकि इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। ये लैपटॉप एक सबसे सस्ता बजट लैपटॉप है, तो आप इस लैपटॉप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये लैपटॉप लाइट यूजर के लिए परफेक्ट है, मगर आप इस लैपटॉप से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा हैवी मल्टीटास्किंग इसमें करने जाएंगे तो ये लैपटॉप हैंग होने की भी शक्यता है। तो इस लिस्ट में दूसरा लैपटॉप है HP 15 AC 170TU, जिसकी प्राइस 25,000 आसपास है, और ये लैपटॉप कोर i3 प्रोसेसर की सीरीज का एंट्री लेवल का लैपटॉप है। कोर i3 सीरीज का इंटेल का प्रोसेसर काफी फास्ट प्रोसेसर है, जो मल्टीटास्किंग और हैवी एप्लीकेशन को काफी अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, और इस लैपटॉप में 4GB रैम और 500GB हार्ड डिस्क भी शामिल है, तो स्टोरेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और 4GB रैम आपकी मल्टीटास्किंग को भी स्मूथली हैंडल कर सकेगा, और कोर i3 प्रोसेसर आपकी हैवी एप्लीकेशंस को काफी अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। तो ये लैपटॉप आपके ऑफिस वर्क के लिए काफी अच्छा लैपटॉप साबित होगा, मगर इस लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो ग्राफिक्स कार्ड अनेबल्ड गेम्स और ग्राफिक्स कार्ड रिक्वायरमेंट वाली कुछ एप्लीकेशंस आप इस लैपटॉप में नहीं चला सकते, और प्लस इस लैपटॉप का वेट भी काफी कम है तो आपको यहाँ से वहां ले जाने में भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इस लिस्ट में तीसरा लैपटॉप भी HP का है, जो है HP 15 AC 030 TX, जिसकी प्राइस 35,000 अराउंड है, और इस लैपटॉप में कोर i3 फिफ्थ जनरेशन का प्रोसेसर अवेलेबल है और 4GB रैम है, और इसके साथ स्टोरेज के लिए 1TB की हार्ड डिस्क अवेलेबल है, और उसके साथ AMD का 2GB का ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है। ये लैपटॉप आगे वाले लैपटॉप के जैसे सारे काम आसानी से कर सकता है, और इसके साथ साथ ग्राफिक्स अनेबल्ड गेम और ग्राफिक रिक्वायरमेंट वाली एप्लीकेशंस को भी काफी अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। तो ये लैपटॉप आपके लिए वीडियो एनकोडिंग, वीडियो एडिटिंग और हायर एंड गेमिंग के लिए यूजफुल हो सकता है।
तो अब आते हैं लिस्ट के चौथे नंबर के लैपटॉप पे, जिसकी प्राइस है अराउंड 45,000 रुपीज, और वो है Lenovo G5080। इस लैपटॉप में Core i5 का 5th जनरेशन का लेटेस्ट प्रोसेसर अवेलेबल है, और उसके साथ 8GB रैम और स्टोरेज के लिए 1TB हार्ड डिस्क अवेलेबल है। ये लैपटॉप आपके मल्टीटास्किंग और हैवी एप्लीकेशन लोड के लिए परफेक्ट है। इसका Core i5 प्रोसेसर, उसके अंदर मल्टी बूस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मल्टी बूस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि अगर आपके लैपटॉप को लो परफॉर्मेंस में यानी कि वेब ब्राउजिंग जैसी कम प्रोसेसिंग वाली चीज का यूज कर रहे होगे तो आपकी बैटरी और प्रोसेसर कम यूज करेगा। अगर आप उसमें हैवी लोडिंग वाली एप्लीकेशन रन कराएंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रोसेसर बूस्ट मोड में चला जाएगा और ज्यादा बैटरी यूज करेगा, तो उससे बैटरी की काफी बचत भी हो सकती है। और इसके साथ साथ इस लैपटॉप में 2GB का AMD का ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है, जिसके लिए ये लैपटॉप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग सब में माहिर है, और ये आपके ऑल इन वन यूज के लिए परफेक्ट लैपटॉप है। इस लिस्ट में अब पांचवें नंबर पे हमारा बजट बढ़ते हुए 50,000 to 55,000 तक पहुंच चुका है, और इस बजट में आपके पास सबसे बेस्ट लैपटॉप है HP 15AC053TX, जिसकी प्राइस अराउंड 50,000 to 55,000 रहेगी। और इस लैपटॉप में सबसे लेटेस्ट Core i7 का 5th जनरेशन का प्रोसेसर अवेलेबल है। Core i7 इंटेल का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है, जो हैवी से हैवी एप्लीकेशंस और हैवी से हैवी लोड को काफी आसानी से और काफी फास्ट हैंडल कर सकता है। ये प्रोसेसर प्रोसेसिंग के मामले में सबसे ऊपर है। ये प्रोसेसर सबसे महंगा प्रोसेसर है, इसीलिए इस लैपटॉप की प्राइस और रेंज इतनी हायर है। और उसके साथ आपको 8GB रैम और स्टोरेज के लिए 1TB हार्ड डिस्क मिल रही है, और विंडोज 8.1 इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, और उसके साथ साथ इसमें 2GB का और हाई एंड ग्राफिक कार्ड भी अवेलेबल है। तो ये लैपटॉप आपने जो भी सोचा होगा वो सब हैंडल करने के लिए पहले से ही प्रीलोडेड है। सो ये लैपटॉप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ब्राउजिंग, मूवीज सबके लिए है। ये लैपटॉप आपके सारे काम आसानी से हैंडल कर सकता है। तो ये थे हमारे 5 बजट लैपटॉप अलग अलग बजट रेंज के मुताबिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। हमें और टेक हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए कि हम ऐसे वीडियो आपके समक्ष लाते रहें।